स्वागत है आपका चैनल में। केरला सीरीज का ये सेकंड डे है और अभी हम जा रहे हैं टेकड़ी, जो कि काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, काफ़ी क्राउडेड है वहाँ पे। दो चीज़ें हैं जो मेनली अट्रैक्शन है, एक तो एलिफेंट सफारी है और दूसरा वहाँ पर है बोटिंग। सो बोटिंग के लिए आई थिंक पहले बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन, सो मोस्ट लाइकली हमें नहीं मिलेगा। सो हम लोग ऑन द स्पॉट प्लान बनाते हैं, तो उसका यही एक डिसएडवांटेज होता है कि जो चीज़ें प्रायर बुकिंग पर करनी होती है वो हमें कभी भी नहीं मिलती हैं। बट बोटिंग अभी हमने कर ली है प्राइवेट एस्टेट में इस रिसॉर्ट के, सो बोटिंग ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो एलिफेंट सफारी करेंगे और थोड़ा सा टेकड़ी, क्योंकि बहुत हाइप है टेकड़ी को लेकर के, वो भी देखेंगे। और वहाँ पर काफ़ी सारे स्पाइसेस भी मिलते हैं बिकॉज़ केरला स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस है। सो देखते हैं क्या क्या वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। टेकड़ी का डिस्टेंस यहाँ से वंदन मेडू से ऑलमोस्ट आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स है। हिली टेरेन है काफ़ी, सो इट मे टेक समवेयर अराउंड 45 मिनट्स। डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लगे। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लाइंड अप फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ डे टू। टेकड़ी पहुंच गए हैं, थोड़ी सी बारिश हो रही है और ठंड का मौसम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट सफारी के लिए, इसका नाम है टस्कर ट्रेल्स। चलिए एलिफेंट सफारी का टाइम आ गया, तो हम जा रहे हैं अभी एलिफेंट सफारी के लिए। तो अभी हमारी एलिफेंट सफारी चालू है। How was your elephant ride? Kutaka. Kutaka means what? Good or bad? Bad. Elephant safari का trip भी खत्म हो गया है। छोटा था, मतलब उन्होंने बोला था कि 20 से 25 मिनट का होगा, लेकिन वही है जो नॉर्मली टूरिस्ट प्लेसेस पे होता है, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में उन्होंने राइड खत्म कर दिया। तो ठीक है, एक एक्सपीरियंस है, वो हो गया। चलते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है, बट हमारा हमेशा ऐसे होता है, प्लान नहीं है, कुछ ना कुछ प्लान बन जाएगा। अभी तक एक और चीज़ देखना है, मार्केट में स्पाइसेस का थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पाइसेस ही हैं जो बेसिकली ऑथेंटिक मिलते हैं। That's so daring, Naila. They are very dangerous, you know. They have big, big nails. They look like this. They can scratch you. How? In the face? Yes. Anywhere they can scratch, like here, here also. Papa, I want to eat something. Okay. Papa, I'm hungry. I want to eat the chips. Okay. जूस भी पियेंगे। ये बेकरी है, बेकरियां लगा लो।
फटाफट उतर के ले आना, बट यहाँ ट्रैफिक नहीं, गाड़ी खड़ी है ना। नहीं यार थोड़ा अंदर चलते हैं फिर। ये कि हमें रास्ते में कॉफ़ी शॉप दिख गई, तो हमने सोचा एक बार चाय कॉफ़ी पी जाए। सुबह से काफ़ी ड्राइव किया है, लेट्स ट्राई कॉफ़ी। मसाला चाय आ गई है, मौसम बहुत ही मस्त है यहाँ पे, एकदम शाम को भी अभी बारिश हुई है। और ये मसाला चाय काफ़ी गड़क है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल मसाला चाय की तरह नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। ड्रिजल हो रहा है काफ़ी अच्छे से, तो अभी हम तेकड़ी से थोड़ा बाहर आ गए हैं आउटस्कर्ट्स में, और हम जा रहे हैं वंदन मेडू की तरफ। और पूरा रास्ता अच्छे से ड्रिजल से वेट हो गया, तो बहुत ही मज़े का ड्राइव है एक्चुअली। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, एक स्पाइसेस की शॉप है, आप देख सकते हैं पीछे, ये काफ़ी बड़ी शॉप है। तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के स्पाइसेस मिलते हैं, क्या ऐसा खास है। सो आज का डे टू यही एंड होता है। अभी अभी हम जस्ट टेकड़ी से वापस आए हैं, तो काफ़ी लेट हो गया था, अंधेरा हो गया अभी पूरा, पूरे रिसॉर्ट में भी काफ़ी अंधेरा है। मेरे पीछे जस्ट रिक्रिएशन क्लब है, यहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम हर दिन होते हैं शाम को। दैट्स ऑल अबाउट डे टू। डे थ्री ऑल्सो बिगिंस विद लॉट मेनी यू नो थिंग्स ऑलरेडी लाइंड अप, तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या और लाइंड अप है। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Stay tuned for further episodes on the Kerala road trip.